स्वागत है आप सभी का बिंदास समाचार में। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल बिंदास समाचार को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की खबरों को शुरू करते हैं। सीएम योगी का सपना होगा साकार, गोरखपुर और वाराणसी के बीच स्पाइस जेट चलाएगा सीप्लेन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। पूर्वांचल के उत्तरी हिस्से में पर्यटन को बढ़ावा देने में उनका यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल से सी प्लेन चलाने की घोषणा की है और अब इस पर प्रशासनिक स्तर पर मंथन तेज हो गया है। गुरु गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर के रामगढ़ ताल से भगवान भोले शंकर की नगरी काशी तक ये प्लेन चलाया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पूरे देश में 100 सी प्लेन चलाने की घोषणा की है। पहले चरण में स्पाइस जेट को 18 जगहों पर सी प्लेन चलाने की अनुमति मिल गई है। गोरखपुर से वाराणसी के बीच स्पाइस जेट को सी प्लेन चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी करीब 200 किलोमीटर है, जबकि हवाई मार्ग से यह दूरी बेहद ही कम है। ऐसे में गोरखपुर से वाराणसी की यह दूरी महज 40 से 45 मिनट में पूरी की जा सकती है। पोर्टल पर पहले दिन 4400 किशोरों ने कराया पंजीकरण, कल से लगेगा टीका। नए साल में किशोरों को कोरोना से बचाने की कवायद तेज हो गई है। किशोरों का इस साल पहली बार कोरोना से प्रतिरक्षण के लिए टीका लगाया जाएगा। इसके लिए किशोरों का कोविड पोर्टल पर पंजीकरण शनिवार से शुरू हुआ। पहले दिन 15 से 18 साल के किशोरों के कोविड टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसके तहत पहले दिन 4212 किशोरों ने टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया है। इन लोगों को 3 जनवरी से कोवैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। विभाग ने इसके लिए 50,000 कोवैक्सीन के टीके मंगवा लिए हैं। 3 जनवरी के बाद सभी बूथों पर कोवैक्सीन के टीके भी लगाए जाएंगे। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकों का बढ़ेगा मानदेय, प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकों के मानदेय में वृद्धि करने का फैसला किया है। कोविड-19 के विषम परिस्थितियों में किए गए सराहनीय कार्य के लिए तीनों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यह फैसला शनिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में लिया गया। कैबिनेट ने इस संबंध में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी। मानदेय में बढ़ोतरी की धनराशि एवं प्रोत्साहन राशि की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जाएगी। यूरिया के लिए हाहाकार, किसान परेशान। कुबेर स्थान क्षेत्र के साधन सहकारी समितियों एवं निजी दुकानों में यूरिया गायब है, जिसके कारण किसानों को गेहूं की फसल में छिड़काव करने को यूरिया के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इस मजबूरी का फायदा फुटकर दुकानदार उठा रहे हैं। कुबेर स्थान और खनवार समिति पर यूरिया उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण क्षेत्र के किसान मजबूरी में निजी दुकानों से यूरिया खरीद रहे हैं। बरसात होने के बाद सभी किसानों को एक साथ यूरिया की जरूरत पड़ गई है, तो पूरे बाजार से यूरिया गायब हो गई है। जिन दुकानों पर थोड़ी बहुत है वो अभी औने पौने दामों पर बेचकर मोटी कमाई करना चाह रहे हैं। धर्मागढ़ छपरा निवासी विनय कुमार पांडे, राजेश्वर तिवारी, सिकटा निवासी अमीन सिंह को, हरबलिया निवासी गोरख पांडे, रमाशंकर पांडे आदि ने बताया कि पंपिंग सेट से सिंचाई होती है तो लोग बारी बारी से अपनी आवश्यकता अनुसार यूरिया खरीदते हैं, लेकिन इस बार बारिश होने के कारण एक ही साथ सभी किसानों को यूरिया की जरूरत पड़ गई, जिसके कारण बाजार में यूरिया का अभाव हो गया है। इसका फायदा उठाकर कुछ दुकानदार ज्यादा कीमत लेकर भी यूरिया बेच रहे हैं और किसानों को यूरिया के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इस संबंध में अपर जिला कृषि अधिकारी राकेश पांडे ने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं है, जांच कर ज्यादा मूल्य पर यूरिया बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसानों से धान खरीद में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, SDM नागेंद्र कुमार सिंह ने शनिवार को धान खरीद के प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी क्रय एजेंसियों के प्रबंधकों, जिला खाद विपणन अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंध सहकारिता से बातचीत कर धान खरीद का हाल जाना। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में कुल 139 क्रय केंद्रों पर 11,048 किसानों से 73,331 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। इस पर SDM ने किसानों का समय से भुगतान करने का निर्देश दिया, कहा कि सभी क्रय एजेंसियों का मानक के अनुरूप धान की खरीद करें, किसानों से किसी भी प्रकार की लापरवाही और बहानेबाजी नहीं अपनाया जाना चाहिए। उन्हें सभी क्रय एजेंसियों के प्रबंधकों को निर्देश दिया कि क्रय नीति का पालन करते हुए धान की खरीद होनी चाहिए। देवरिया में 5 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, इसमें दुबई से लौटी एक युवती समेत 4 लोग शामिल हैं। इसके अलावा मुंबई से लौटा एक युवक भी संक्रमित मिला है। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। लार के पिंडी की रहने वाली एक युवती दुबई घूमने गई थी, वहां से वह 27 दिसंबर को लौटी है। जांच में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। उसके परिवार में 4 लोग हैं। स्वास्थ्य विभाग सभी का सैंपल लेकर अब RT-PCR जांच के लिए भेजेगा। इसके अलावा भलवनी क्षेत्र में रहने वाले 3 युवक कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मिले हैं। तीनों दुबई से लौटे हैं, इसमें 2 सगे भाई हैं। ये 28 दिसंबर को दुबई से भारत आए थे। इनके परिवार में कुल 6 लोग हैं। अब सभी की जाँच कराई जाएगी। इसके अलावा भलवनी के केवनिया गाँव का
का रहने वाला एक युवक संक्रमित पाया गया है। वह भी 28 दिसंबर को दुबई से ही लौटा था। उसके परिवार में 4 लोग हैं। तरकुलहा का रहने वाला एक युवक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वह 2 महीने पहले मुंबई से लौटा था। PHC भलवनी पर कोविड की दूसरी डोज लगवाने पहुंचा तो उसकी जांच की गई थी। जांच में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। उक्त युवक शनिवार को ही मुंबई रवाना हो गया था। परिजनों के अनुसार इस समय वह ट्रेन में है। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम उसके पूरे परिवार की जाँच करेगी। शनिवार को कुल 2349 लोगों की जाँच की गई। जिले में लगातार कोरोना मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। विधायक ने सुनी लोगों की समस्या। सिमरई क्षेत्र के गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर शनिवार दोपहर में कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अजय कुमार लुल्लू चीनी मिल के केन यार्ड पहुंचे। यहां गन्ना किसानों की समस्याएं सुनी और मिलों के अधिकारियों को बुलाकर किसानों की समस्याओं का समाधान करने की बात कही। गन्ना किसानों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कस्बे में गन्ना लदी गाड़ियों से जाम, गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न होने, किसानों पर अली गन्ना बुआई का दबाव बनाने, पार्किंग ग्राउंड में किसानों को सुविधाएं मुहैया न कराने की समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया। इस पर विधायक ने चीनी मिल के गन्ना महाप्रबंधक प्रमोद कुमार को पार्किंग ग्राउंड में बुलाकर किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान कराने की बात कही। गन्ना महाप्रबंधक ने विधायक व गन्ना किसानों को आश्वस्त किया कि सभी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। इस दौरान अनिल पटेल, अमित कुमार बंटी, लालजी खरवार, आलोक जायसवाल, टोनी रामायण कुशवाहा आदि मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस पर 65 पीड़ितों में 9 को मिला न्याय, अन्य को आश्वासन। कुशीनगर के हाटा तहसील सभागार में 1 जनवरी को तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां आए 65 में 9 मामलों का मौके पर निस्तांतरण कर दिया गया। अन्य मामलों में निस्तांतरण के लिए एक टीम गठित की गई। अधिकारियों ने पीड़ित को न्याय का आश्वासन देकर रुखसत कर दिया। इन फरियादियों की न्याय की उम्मीद अधूरी रह गई। 9 वर्ष व कड़ाके की ठंड के कारण फरियादियों की संख्या कम रही। दोपहर 12:40 पर पहुंचे जिला अधिकारी यश राजलिंगम ने 1 घंटा तक फरियाद सुनी। इस बीच कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गांव लोहेपार निवासी ध्यान चंद्र यादव ने छोटी गंडक नदी के बालू खनन रोके जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। मौके पर खनन अधिकारी के न रहने पर जिला अधिकारी ने हल्का लेखपाल को बालू तस्करों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराने का निर्देश दिया। UP बोर्ड ने फिर से जारी की परीक्षा केंद्र निर्धारण की गाइडलाइन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को जिले से भेजी गई 479 में से 296 स्कूली मानक पर खड़े उतरे हैं, जबकि मानक पूरा नहीं करने वाले 183 स्कूल परीक्षा केंद्र बनने की दौड़ से बाहर हो गए हैं। अब बोर्ड मानक पर खरा उतरने वाले स्कूल को ही केंद्र बनाएगा। केंद्र निर्धारित को लेकर बोर्ड द्वारा तय समय सारणी के तहत जिलाधिकारी के निर्देश पर SDM के नेतृत्व में गठित तहसील स्तरीय टीमों ने 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक स्कूलों का निरीक्षण कर केंद्र के लिए जरूरी मानकों की जाँच की थी। जांच के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट DIOS को सौंपी थी, जिसके बाद DIOS ने स्कूल की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की। बोर्ड को इस सूची का परीक्षण कर 22 दिसंबर को केंद्र की सूची जारी करनी थी, लेकिन बोर्ड ने सूची जारी न कर सूची में कमियां गिनाते हुए यह कहकर वापस कर दी कि तत्काल इन कमियों को दूर कर पुनः संशोधित सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाए। इसके बाद दोबारा स्कूलों की सूची भेजी गई, जिसके बाद केंद्र बनने के लिए सिर्फ 296 स्कूल ही मानक पर खड़े उतरे। बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस पर केंद्रों की संख्या बढ़ गई है। पिछली बार जिले में 196 स्कूल केंद्र बने थे। इस बार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बोर्ड द्वारा केंद्रों की संख्या बढ़ाने की उम्मीद है। इस बार बोर्ड परीक्षा कक्ष में एक छात्र से दूसरे छात्र के बीच की दूरी 3.33 वर्ग मीटर रखते हुए परीक्षार्थियों को बैठने की व्यवस्था कराने का विचार कर रहा है। गोरखपुर से चलेगी राजधानी एक्सप्रेस, एयरपोर्ट से भी बेहतर बनेंगे रेलवे के स्टेशन। रेलवे बोर्ड के नियुक्त चेयरमैन और CEO विनय कुमार त्रिपाठी ने अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए जोर दिया कि पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर रूट पर भी राजधानी और वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होगा। राजधानी को तो चलना ही है। बाराबंकी गोरखपुर छपरा मुख्य रेल मार्ग भी 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लायक बन चुका है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे के लायक बनाने की तैयारी चल रही है। 1 जनवरी को दिल्ली जाते समय एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कई बिंदुओं पर अपनी राय दी और अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि विकास की गति को रफ्तार देने के लिए चल रहे निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय से पूरे कराएंगे। यात्री सुविधाएं, सुरक्षा और सुरक्षा के साथ बेहतर ट्रेन संचालन, खर्चों में कटौती के साथ साथ आय के उपाय खोजना तथा कर्मचारी कल्याण उनकी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। बता दें कि यात्री सुविधाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे के स्टेशन भी एयरपोर्ट की तर्ज पर बनने लगे हैं। बनारस स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए बिंदास समाचार के साथ।